आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं पारुल और स्वागत है आपका क्रेविंग्स बी योर ओन शेफ पर। आज हम बनाएंगे धनिया पंजीरी, जिसका श्री कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी के दिन पर भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट्स की तो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, स्पेशली फॉर ब्रेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो सभी को ये पंजीरी ज़रूर बनानी चाहिए। पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 बाउल पाउडर शुगर, 1 बाउल पाउडर धनिया, थोड़ा सा ड्राई कोकोनट घिसकर ले लिया है, थोड़ा सा देसी घी, इलायची पाउडर, बादाम और काजू, और 1 बाउल मखाने। ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक पैन को गर्म होने के लिए रखा है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। फ्लेम को हम लो पर रखेंगे। सबसे पहले हम काजू और बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। धीमी धीमी आंच पर इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। काजू बादाम रोस्ट हो गए हैं, इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसी में जो घी बच गया है उसी में हम मखाने को रोस्ट कर लेंगे। मखाने की अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो दे आर लोडेड विद कैल्शियम, तो सभी को मखाने ज़रूर खाने चाहिए। यहाँ पर मखाने रोस्ट हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं। मखाने को घी में रोस्ट करने के बाद ये बहुत ही क्रंची भी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब ये बचे हो इसमें जो थोड़ा सा घी बच गया है उसी में डालकर, जो ड्राई कोकोनट घिस कर लिया था वो भी इसी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। याद रखें फ्लेम को एकदम लो पर रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से बर्न होने लगता है। ड्राई कोकोनट भी रोस्ट हो गया है, अभी इसको भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसी पैन में 2 चम्मच घी और ऐड किया है और फ्लेम को एकदम लो पर कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसको चलाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। जैसे जैसे धनिया पाउडर रोस्ट होते जाएगा इसमें से एक अच्छी सी सुगंध आने लगेगी, तो समझ जाइए कि धनिया पाउडर रोस्ट हो गया है। इसको चलाते रहेंगे और 2-3 मिनट के लिए हमें इसको रोस्ट करना है। इसका कलर भी चेंज होने लगता है जैसे जैसे ये रोस्ट होने लगेगा। यहाँ पर मैंने इसमें 2 चम्मच घी और ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद इसको और 2 मिनट सेक लेंगे। धनिया पाउडर सिककर तैयार हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से एक अच्छी सी सुगंध भी आ रही है। तो अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और जो रोस्टेड मखाने थे इसमें डाल दिए हैं, काजू और बादाम भी इसमें डाल दिए हैं, और जो खोबरा ड्राई कोकोनट हमने घिस कर लिया था वो, एंड इलायची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद ही हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, और आप चाहें तो इसमें बूरा भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास बूरा नहीं था तो मैंने पाउडर शुगर डाल दिया है। तो थोड़ा थोड़ा पाउडर शुगर डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। एकदम अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और शुगर अगर आपको कम या ज़्यादा, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बाउल धनिया पाउडर के लिए 3/4 बाउल पाउडर शुगर यूज़ की है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। इसको अच्छे से मिलाकर एकदम धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ये धनिया पंजीरी ज़रूर बनाएंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।